हेलो ओ घोसी भैया क्या बे? अरे यार बेटे से ना बात करो यार, काले रात में परेशान करता है। परेशान नहीं करता हूँ, मुझको दूध चाहिए। दूध? हाँ पौवा भर बोकरी का। किस चीज का चाहिए? बोकरी का। बोकरी का? हाँ देसी चाहिए बरबरी का? अरे पूछ के नहीं आया, अब फिर जा तो भैया पूछ के आ, मैं आवत हूँ। भाजी लाए दूध ले पी ले। भाजी ये बताओ देसी का लावे कह के बरबरी का? तेरी नाश हो जाए, दूध चाहिए बकरी का। बकरी का दूध चाहिए और क्या? हटो मजा था, जल्दी आना नहीं तो तेरी खैर नहीं। तेरी मैं तुरंत गाय तुरंत होशी। भैया अब क्या है? भैया हमका देसी का चाहिए। बियान का चाहिए कि अनबियान का? तो ना कोस की पाही सार कुकुर मर का आवा जाए। अब बाजार हम पूछे भाऊजी ले पीले मुलगा। तेरी नाश हो जाए, जितनी सुस्ती है सुबह तक मैं दूर कर। ये बताओ बियान का चाहिए के अनबियान का? क्यों नाश हुई जाए, चार के कांधे चला जान, बात से खटिया चली जाए तो नाश हुई जाए। कतो अनबियान बुखरी दूध देती? अनबियान यार कहाँ दूध दे ही? तो फिर भाजी तुम टेंशन न करो, आपकी मजात हो, आपकी लाइके आई हो। हाँ जल्दी लेके आओ, तुरंत गायो। न लाओ ना तो आपसे समझ लो तुमका बधिया कहीं। अरे नहीं ऐसा घोसी भैया। हाँ हमका यार दूध चाहिए बियान का। दाहिनी सौ का चाहिए कि बाएं सौ का? हाँ यार अब भेजा का पारी आपकी चमंडी में भाजी हमका पेल डाली की बात नहीं है। जा रहा हूँ देखो, हे भगवान जब पता हो बजरंग बली बाबा तुम बचा ली हो। जात हो काफी देर से बच्चे जन्मे हैं भूखे हैं दूध लाए। मुंह लगाओ ना लावा थो। या बताओ दहनी सुवाय का चाहिए के पाई सुवाय का? तो ना सोए दुनिया का पागल तो हिन मिले का मही का है? अब का करो जब घोसिन भैया मही का दौलाए है। अब तुम अच्छा तो बार एक बार बता दे, बार बार बतावा तो वो घोसी चूतिया की तो ना सोए जाते चूतिया। मही का तो लागा था घोसी मही का खुद चूतिया बनाए है। तेरी नाश हो जाए चाहे दाए सोए का हो चाहे बाएं सोए का, दूध से मतलब होता है। अब हत्ती लेके आना नहीं समझ लेना। हे लागा जा जा इतनी तेज से मशक दिहन के पट्टू का टोड़ दबगा। घोसी भैया अब क्या है? हमका चाहे दहनी का हो चाहे पाई का, हमका दूध चाहिए आज, जल्दी दे यार पहलुआ के मरुआए डाल है। 60 रुपए पौआ है? 60 रुपया पौआ या तो यार दारू से भी महंगा है। चलो कौनो बात नहीं, लाओ पैसे तो ले हो यार। चल ले जा ले पैसा तो ला, पहले पैसा ला था ले। हम ईमानदार आदमी हैं, जिसका लिया उसका तुरंत दिया, और तुम्हारा लेके भाग नहीं जाएंगे। भाई है पौआ भर मिला है, चलो पौआ भर में सबका दोनों का पिया दे जाए।
ले आए। हाँ हाँ भौजी ये ले पौआ भर दूध मिला ज्यादा नहीं है। अब तुम भी एक पिया दे जाऊ बचे महू का पिया दे हो ना हो। कहिए राज माता जी मेरे बच्चे रो भाग रहे हैं। वो चुप हो जाएंगे। तेरी मां कहो राज माता अफसोस की बात तो ये है। वो कौन सी अफसोस की बात है राज माता? यदि महाराज होते हाँ क्यों नहीं तो आज जाने कितनी खुशियां मनाई जाती। क्यों नहीं राज माता इस महल में सहनाइया बजती। क्यों नहीं राज माता यही तो सुख की बात है। यहाँ सोहर होते हाँ क्यों नहीं लेकिन उनके नारे थे आज महल सुना सुना है। सुना सुना लग रहा है सही कहते हो राज माता इसी दिन को तो अफसोस है। राज माता जी आप घबराओ नहीं इस राजमहल में हम भी कोई सोहर गाने वाले को बुला कर लाएंगे और सोहर गवाएंगे। ठीक है आप गा लेती हो? ठीक है हाँ राज माता जी ये खुद गा लेती हैं सोहर। हेलो अरे जुग जुग भवन के भाग जागल हो ललना के दीपा के मनवा में Oh,
आप है श्रीमान ये हमारे जागेश्वर भैया और साहिबान की ओर से ये बच्चे को दूध पीने के लिए 11 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं। पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। आलो को पाऊआ अरे बरते घमासान पानी अरे बरते घमासान पानी दुआरे लाल गरीबा माता तुम्हार नानी वही हुआ देखा बैठी है चश्मा लगाए को बउआ के मारा बच्चा के मारा बच्चा को अरे को मौसी ई देखा बैठी है ओ नाना अरे बेटवा बेटवा को 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 चो बउआ बच्चा बेटवा बउआ की आंखी बउआ के नेकुआ अब बउआ के मुंह बउआ की तोंदी बउआ की मुन्नी पागल है बउआ रोते हमारे दूध ढूंढते हमारे दूध होत नहीं ना है तो ना सोई जाए ढूंढ रहा है जाओ यहाँ से जाओ शाही खजाने से इन कंचनियों को 500 रुपए हाँ। और एक बनारस एक एक बनारसी साड़ी इन्हें देकर रुखसत किया जाए। राज्य माता आपका जैसे फरमान हुआ समझो पूरा काम हुआ माता जी। ठीक है जाओ लाओ तुम्हार नेग और का चलो एक एक करके आओ नेग ले धक्का जब तक नेग न दे तब तक ये से चाहिए ना चल जाओ ना और नहीं कहो शिकायत तो कह दे आओ और क्या रुक जाओ ढोंढा था शायद और आए चोराए भारे नहीं नहीं दरबारे ऐसा है रुक जाओ सेनापति हम फटाही दे थी कहाँ दे महारानी जी शंभु से बतला दीजिए किन कंचनियों को 500 रुपए एक एक बनारसी साड़ी देकर रुखसत किया जाएगा। दरबारी जी सेनापति जाइए शाही खजाने में हाँ। एक एक बनारसी साड़ी और 500 रुपया इन कंचनियों को देकर राजमहल से रुखसत किया जाए। जैसा आपका फरमान हुआ समझो सेना पूरा काम हुआ। आइए कंजनियो हमारे साथ बारी बारी से आइए अपना मुंह मांगा इनाम लीजिए और अपने वतन के लिए रवाना हो जाइए।
महारानी जी। हाँ सेनापति। क्यों चेहरा आपका बहुत सूखा हुआ दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं ये गलत बात है, हम ये घबराने की कोई बात नहीं है। और तो वो खुशी की बात आई है कि महल में बालक जन्म लिया है। खुशी की तो बात है सेनापति, लेकिन क्या इन बच्चों के पिता होते तो जाने कितनी खुशियां मनाते। दुख तो इस बात का है मुझे। नहीं दुख करने की कोई बात नहीं, अब खुशी के दिन आ गए रानी। ठीक है जाओ, ये बच्चे आराम रो रहे हैं, जाइए महल जाइए आराम करिए। दरबारी हरि राम। क्यों भाई आज बहुत खुशी का दिन है? हाँ सही, क्योंकि महाराज के मरने के बाद महारानी के कोख से जन्म दो लाल हुए। ये खबर आओ चले मंत्री जी से बताएं। क्यों नहीं आओ चलते हैं। चलिए खबर चलते मंत्री धर्म सिंह को बताते हैं। चलिए आइए। मंत्री काशी के जाओ। खुश रहो सेनापति। आओ मंत्री जी। आहाश चेहरे पे खुशियां झलक रही है। क्या बात है सेनापति, हमें लगता है कि इस वक्त तुम्हें सेनापति अगर ये पूछना चाहते हो। सुनो मेरी बात। ईश्वर देश में कोई पाप तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। महारानी के गर्भ से किसी संतान की उत्पत्ति हुई या नहीं? अगर ये सुनना चाहते हो बोलो मंत्र जी। सुनो से तो
श्री जमीन में गोलाल है, गोलाल है मंत्र जी। वीर अरमान सारा और पिता हाथ में जानते दोनों बच्चे और धूप बन राज करता चाहता, धूप बन राज करता चाहता उमर जन्नत किला तो बची मैं। गलत जाले जिसके खाके टुकड़े और पले हमारे तुम उसके अन्याय करना पूरा करो। शेरापत अगर काश काश इस कंचनपुर में बच्चे की जगह किसी बच्ची का जन्म होता तो खुशियों से गूंज उठती मंत्री। और ये जो आप सोच रहे हैं महा पाप है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। शेरापत दरबार में और एक टुकड़ा मैं और एक टुकड़ा आप खाकर पले है उसमें न कर रहे, शर्म नहीं आ रही आपको? भगवान झूठ ना बोलवाए छूना लगा के मानता हूं कि तुम ईमानदार हो, लेकिन सेनापत हम तुम्हें प्यार की भाषा में समझा रहे हैं। और प्यार की हमारी बात कान खोल कर दिल और दिमाग से सुनो। क्या सुनाना चाहते हैं कहिए। और बात हमारी है कर लोग इसी दम और काम वही तुम कीजिए हो चश्मे कल सेना पर महाराज जिस काम में मेरा कल्याण काम वही बतलाइए और मानूंगा ऐसा। हम जानते बोल रहा हूं कि समझदार हो और समझदार इंसान को ज्यादा समझाने में वक्त नहीं लगता, थोड़ा काम है और अगर उस थोड़े से
तुमने कर दिखाया तो हम तुम्हें इतनी दौलत दे देंगे, इतनी दौलत दे देंगे कि तुम्हारी आने वाली सात पीढ़ी भी उसे खर्च नहीं कर पाएगी। वो कौन सा काम है मंत्र जी? जरा मुख से मैं सुनना चाहता हूं। अगर जानना चाहते हो तो सुनो, तुम्हें हमारा एक काम कौन सा करना है। और जगह सुनाइए। और स्वाति ना किसी जो हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, सिर्फ हमारे और तुम्हारे सिवा किसी तीसरे को नहीं मालूम होना चाहिए। अरे ये कौन सा काम है? और ये बात ना किसी और बशर से तुम्हें बताना है। Yeah.